जी सुमन जी, बताना चाहेंगे कि आज आप साउथ अफ्रीका में इंडिया का नाम रोशन करके आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, और मेरा तो यही कहना है कि अपना जितना हो सकेगा उतना करना है, और दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आगे जाने दो, बच्चों को आगे बढ़ने दो। क्योंकि देखा गया कि आप एक छोटे से गांव कड़ेतर से हो, यहाँ पे फैसिलिटीज भी काफ़ी प्रॉब्लम है, कि क्या बाहर जाके आपने क्या देखा कि गांव की लाइफ में और बाहर की लाइफ में क्या फ़र्क है, और गांव की गर्ल्स को क्या बाहर निकलना चाहिए? जी, बाहर जाके मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खाने पीने की हुई, क्योंकि एक शुद्ध शाकाहारी होने के बाद बाहर देश में जाके मैंने देखा कि वो लोग ज़्यादा प्रेफर नॉनवेज ही करते हैं, और मैंने तो नॉनवेज बचपन से देखा ही नहीं, तो इसके लिए मुझे बड़ी दिक्कतें आई, बट फिर भी मैनेज किया, वहाँ किया है, हरी सब्जियाँ जो भी वगैरह मिला उसके साथ अपना गुजारा किया। कब से? मैं 2022 से कर रहा हूँ, करीब 2 साल हो गए। साउथ अफ्रीका में आपने कितनी हाइट को अचीव किया? साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट 5,895 मीटर है, और उसी को अचीव किया हूँ। 5,895 मीटर जो आपने हाइट अचीव की, कैसा उस समय डर का माहौल था? क्योंकि देखा गया है कि माउंटेन क्लाइंबिंग जहाँ तो जिंदगी है जहाँ तो मौत। जी, कैसा था? घर वालों की फिक्र थी, क्योंकि घर वाले तो पीछे थे, पास में कोई नहीं था, उस समय दिल कैसा था? जब हम वहाँ उस माहौल में पहुँच जाते हैं तो उसके सामने फर्स्ट सिर्फ समिट दिखाई देता है कि कब वहाँ पहुँचे और कब झंडा लहराएं, और बाकी डर तो सारे ख़त्म हो गए होते हैं, क्योंकि वहाँ तो बस वही यार यहाँ पार वही वाली बात। कितने घंटे की में आपने इस चीज़ को अचीव किया? ये करीब 3 घंटे 40 मिनट में मैंने अचीव कर लिया था, क्योंकि वहाँ का मौसम बड़ा ख़राब हो रहा था, पहले बारिश और तूफान के साथ साथ फिर स्नोफॉल करीब 5 घंटे होता रहा, तो जब तक नीचे नहीं पहुँचे तब तक स्नोफॉल जारी रहा। ऐसा नहीं है कि माउंटेन क्लाइंबिंग ही नेसेसरी है हर किसी के लिए, मेरा बचपन से तो पहले एथलेटिक्स में मैंने कोई भी गेम ऐसा नहीं है जो नहीं खेला। कि लड़के भी सब कुछ कर सकती हैं, अगर मन में कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो उसके पीछे कुछ नहीं है। हम ऐसे ही नेगेटिव सोच लेते हैं पहले, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसमें विश्वास हो तो बच्चे कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं।